फ्रेंड्स, तो आज हम आपको टेक हाउस चैनल बताने वाले हैं ASP एक्सटेंडेड 9.0 पाई रोम के बारे में, जो कि एंड्रॉयड पी का लेटेस्ट वर्जन है। इसको अल्फा 4 वर्जन, जो कि काफ़ी हद तक स्टेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वाइप डाइविंग सिस्टम का चे डाटा इसको वाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको रिकवरी में जाना है, एडवांस में जाने के लिए आपको स्पेशल रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको ट्रैवल रोम के लिए जो ओरिजिनल रिकवरी है वो इसमें काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको एक अलग से रिकवरी, तो इसके लिए आपको एडवांस में जाकर ट्रैवलाइज में जाकर स्वाइप टू इंस्टॉल कन्वर्ट टू ट्रैवलाइज पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे जाकर ASP एक्सटेंडेड की वेंडर रोम को इंस्टॉल कर देना, जिससे कि वेंडर इमेज इसमें इंस्टॉल कर सके। और इंस्टॉल होने के बाद आपकी रोम एंड्रॉयड पी तभी इंस्टॉल हो पाएगी जब आप वेंडर रोम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं इस तरह से ASP एक्सटेंडेड रोम इंस्टॉल हो रही है। इसमें एक वेंडर रोम है, इसके बाद आपको एंड्रॉयड पी इंस्टॉल करना पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसमें पेचिंग सिस्टम इमेज अनकंडीशनली पेचिंग सिस्टम वेंडर इमेज अनकंडीशनली मैसेज शो हो रहा है। इसका मतलब आपकी वेंडर रोम इंस्टॉल हो रही है, तो आपकी रोम आपका फ़ोन ट्रैवल रोम इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। इसके बाद आपको सिंपली रिबूट टू रिकवरी में जाना है। आप देख सकते हैं फ़ोन दोबारा रिकवरी में आ गया है। अब इसके बाद आपको वाइप एडवांस वाइप डाइविंग सिस्टम सिर्फ वेंडर को छोड़ के काचे डाटा इंटरनल स्टोरेज को भी आपको वाइप नहीं करना है, और स्वाइप टू वाइप कर दीजिए। इसके बाद आपको सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करना है, माउंट को वेंडर को माउंट कर पे क्लिक कर देना है कि माउंट वेंडर है कि नहीं। इसके बाद आपको एंड्रॉयड पी रोम अल्फ़ा 4 रोम इंस्टॉल कर देना है, जो कि ASP एक्सटेंडेड की 4th वर्जन है, जो कि काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है। इसमें आपको बैटरी भी फुल टाइम मिलेगी, और इसमें और भी सारे अच्छे फंक्शन हैं जो आपको चाहिए। तो देख सकते हैं अब रोम इंस्टॉल होने लगी है। एंड्रॉयड पी की बात ऐसी है कि एंड्रॉयड पी बहुत ही शानदार रोम है। इसमें आपको काफ़ी फंक्शन आपको यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि इस रोम में क्या क्या फंक्शन है क्या क्या नहीं है। एंड्रॉयड पी इसलिए अभी तक का सबसे शानदार वर्जन गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने एलिमेक्स 2 में इंस्टॉल इसे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। और ASP एक्सटेंडेड रोम पूरी तरह से इंस्टॉल हो गई है, देख सकते हैं। ये वेंडर रोम इंस्टॉल होने के बाद में आपको OpenGL इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्ले स्टोर इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके लिए आपको OpenGL इंस्टॉल करनी होगी। मैं फ़िलहाल PicoGL इंस्टॉल कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप ये भी इंस्टॉल होने लगी है। ये भी इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगी। इसके बाद आपका फ़ोन बूट हो जाएगा एंड्रॉयड पी में। और ये एक ट्रैवल रोम है, तो इसके लिए आपको ट्रैवल रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको कौन सी रिकवरी फ़ोन में पहले इंस्टॉल करना पड़ेगी, अगर आपके पास ट्रैवल रिकवरी नहीं है तो। अगर है तो आप इस रोम को तुरंत इंस्टॉल कर सकते हैं ज़रूरी फाइल डाउनलोड करने के बाद। देख सकते हैं रोम इंस्टॉल हो रही है, सॉरी GApps इंस्टॉल हो रही हैं। इसमें रोम इंस्टॉल हो चुकी है पहले ही। देख सकते हैं आप इसमें GApps इंस्टॉल हो गई है। सिंपली रिबूट कर देना है अपने फ़ोन को। अब ये फ़ोन सीट कुछ समय बाद बूट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 4-5 मिनट। तो वीडियो को मैं स्किप कर देता हूँ। देख सकते हैं आप फ़ोन बूट हो चुका है।
हैं, देख सकते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले सिम सिलेक्ट करना है, और अब मैं इसमें प्ले स्टोर को लॉगिन ना करते हुए स्किप कर देता हूँ। मैं सिर्फ सिम कार्ड को चूज़ करने के बाद बाकी सब चीज़ें स्किप करता जाऊँगा जी। एप्स को मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, पर इसमें जी एप्स पूरी तरह से फुल्ली वर्क करती हैं। फिंगरप्रिंट को भी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, फिंगरप्रिंट के भी अभी कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फिंगरप्रिंट भी इसमें फुल्ली वर्क करता है। हम देख सकते हैं फ़ोन बूट हो चुका है। आप सिंपली इसकी सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा वर्जन इसमें मिला है। देख सकते हैं इसमें आपको मॉडल नंबर भी दिखता है, एलिमैक्स 2 का एंड्रॉयड P9 AFSP एक्सटेंडेड रोम आप इसको मिल चुकी है। इसके बाद आप इसका रिव्यू भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर आपको मिलने वाले हैं, तो आप इसमें सभी फ़ीचर देख पाएंगे। इसमें आपको वॉलपेपर भी मिल जाएंगे, जैसे आप चाहे वॉलपेपर इंस्टॉल कर सकते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें है, और इसमें आपको वाइब्रेट का ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाएगा आपको। और प्ले स्टोर इसमें फुल्ली वर्क करता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मुझे इसका स्लाइडर बहुत पसंद है कि बहुत ही स्मूथ चलती है ये रोम, और इसमें वोल्टी सपोर्ट फुल्ली वर्क करता है। वोल्टी की प्रॉब्लम पिछली रोम की तरह नहीं आने वाली, इसमें वोल्टी भी सपोर्ट करता है। तो जियो के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसमें जियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो 4G वोल्टी सपोर्ट इसमें है। इसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी है, अभी 8-10 घंटे में इस फ़ोन को यूज़ कर चुका हूँ, पर फिर भी बैटरी इसमें अभी भी 41% शो हो रही है। मतलब आप 12 से 18 घंटे इस फ़ोन को नॉन स्टॉप चला सकते हैं नेट कनेक्ट करते हुए आपके PC या लैपटॉप में। और देख सकते हैं आप इसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और बैटरी बहुत ही शानदार एप्लीकेशन मैनेजर एप्लीकेशन का इसमें ऑप्टिमाइजेशन दिया हुआ है। तो ये था इस एलिमैक्स 2 का एंड्रॉयड P का रिव्यू। इसमें म्यूजिक प्लेयर भी अलग से दिया गया है। खास है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, और इंस्टॉलेशन इसमें वॉलपेपर भी आपको मिल जाएंगे।